खाओ जी गोलगप्पे गोलगप्पे करारे करारे गोलगप्पे। यो क्या है शांति डैडी सारे गोलगप्पे का नाश मार दिया। जल जल्दी जाओ जाओ जा पानी गिरा दो। नहीं पहले साग वाला करवाओ, साग काफी सारा है मेरे पास, नहीं होने वाला उसमें टाइम बहुत लगना है, टाइम बहुत लगना है उसमें। रात को साग लिया, ये 8 बज रहे हैं अब तो मैं इसको साफ करके रख दूंगी और फिर सुबह बनाऊंगी, धो के रख दूंगी। कब है? मेरे बर्थडे पे, ईशांत के बर्थडे पे। पापा मदद मांग रहे हैं, मैं 2 मिनट। दो दो त्योहार आ गए हैं, ईशांत का बर्थडे आ गया है, दिवाली वाले दिन और दिवाली। ये देखिए, और ये मैंने मिर्चों का चार डाल दिया है, और ये तो कहती है कि तू उसमें तेल डाल। मैंने बोला ना ना, ये सिरका डाल दो, वो अदरक भी तो पड़ा था। हां नरम नरम है, डाल दे अदरक भी डालने के। अब ये देखो इनका दिमाग काम, देखो कितना करता है, कितना अच्छा लग रहा है। अदरक देख के अदरक याद आ गया, अदरक भी डाल देंगे इसमें भी। देखिए जी, इतना तो साग नहीं निकला जितना ये कबाड़ निकल गया साग में से, ये देखिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गर्दन यहाँ से छोटी हो गई है, पता नहीं ये मोटी हो गई है, पता नहीं ये छोटी हो गया गर्दन भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, छोटी हो या मोटी हो क्या फ़र्क पड़ता है, गर्दन तो गर्दन है, पर मुझे आज अजीब सी लग रही है। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। शांत बोल के गया मम्मी साग बना के रखना जब तक मैं आऊँ, दोपहर के खाने में साग ही खाना है। अब देखते हैं बन पाएगा या नहीं, क्योंकि भाई साग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, आपको पता ही होगा। तो चलिए फिर किचन में, पहले किचन की करेंगे सफाई, फिर करेंगे साग वाग। तो भाई मुझे मजा आता है सर्फ डाल के तब बर्तन साफ करने में, और बर्तन ना चमक जाते हैं, मजा बड़ा आता है जब बर्तन चमकते हैं। सुबह बनाई थी भाई आलू और सोयाबीन की बड़िया, सुक्की सी बनाई थी लंच बॉक्स के लिए। किचन वाला काम हो चुका है और अब मैं साग धो देती हूँ जब तक उसमें से पानी निकलेगा। हमारे दो हथियार आज इनसे भाई पूरा काम लिया जाएगा, इनको धो देती हूँ ना, इन दोनों से आज साग बनाया जाएगा बिल्कुल देसी स्टाइल में। और भाई चूल्हा तो है नहीं देसी, तो बोल नहीं सकते, गैस के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा ना ये तेज करना पड़ेगा। तो मैं ये कप लेके ना कैसे कैसे कर दूंगी, ये तेज हो जाएगा भाई, हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा भाई। मैंने भी यूट्यूब पे देखा था भाई, एक बार चप्पू को किसी भी चीज को ऐसे रफ करेंगे ना तो ये हो जाएगा भाई, पहनना तेजदार हो जाएगी सेफ्टी। ये देखिए जी, ये देखना कैसे तेज हो गया यहाँ से, है ना, ये देखिए हो गया ना यहाँ से, ये तेज भी हो चुका है अभी भाई। अब यहाँ तो यही हो सकता है, अगर गांव में होते हैं तो गांव में छोटा सा ईंट का टुकड़ा लेके ना उसको ऐसे रगड़ देते हैं, फिर उससे भी ये चीज तेज हो जाती है, तो साग बड़ी आसानी से फटाफट कट जाता है। तो भाई हमारा तो यही जुगाड़ था, तो कप घिस दिया इस पे और ये अच्छे से हो गया भाई, साग फटाफट कट जाएगा अब इससे भाई। साग को मैंने ना साग को 4-5 बार अच्छी तरह से मैंने धो दिया है, अब जब तक पानी इसका निकलेगा इसको रख देते हैं भाई रेस्ट के लिए, रेस्ट ही करेगा जब तक पानी निकलेगा।
एक और बहुत जरूरी काम है वो भी करना है मुझे अभी। ये दूसरा जरूरी काम ये है जो अट्टे का ड्रम है ना, ये भी धोना है क्योंकि कल अट्टा पिसवा के लेके आए थे तो वो डालना है। तो फिर मैं इसको साफ करके सुखा फिर इसमें आटा डालने के लिए सीख में नहीं आती, ऐसे ही धोना पड़ता है मुझे। जैसे बाहर जाकर देखती हूँ तो मेरा बाहर जाने का मन नहीं था तो अब मैं इसको नहीं कर दिया है। पानी पी लेती हूँ, मुझे प्यास लग गई है बहुत। पीना तो बैठ के चाहिए पानी, पर इतना टाइम कहाँ है जो बैठ के पानी पिए हमारा। हाय रे औरत कैसी ये तेरी कहानी। चलो तो ठीक है भैया, आज किचन में ही आपको बाय बोल देते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय।